हम लोगों ने सुख शब्द के बारे में बहुत बार बात किया, ना कि सुख क्या है, सब सुख हम होना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि सुख क्या है, उस पर थोड़ी बात करेंगे। सुख के बारे थोड़ी सी बात करेंगे कि सुख क्या है, और सुख जो है वो परिवार के सभी सदस्यों के लिए उसका मतलब एक जैसा रहता है या अलग-अलग होता है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सुख का मतलब मेरे लिए ही हमेशा एक जैसा रहता है या समय के साथ बदलता रहता है। हमको क्या लगता है सुख के बारे में? एक दो लोगों का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, सुख के बारे क्या सोचते हैं जी? तो जिनके पास भी माइक, एक से अधिक लोगों को माइक दे दे भैया। जी जी हेमंत जी, क्या लगता है आप सुख के बारे में? विजय जी के पास भी माइक है, नरेंद्र जी सर, परमार जी के पास भी माइक है, आप लोग बताएं कि सर जी सुख के सुन बारे पा रहे क्या हैं? लगता है जी? जैसा हम अपनी समझ से इसका अवलोकन करते हैं, तो जो सहज स्वीकृति में है वो वास्तव में ही ऐसा लगता है कि इटर्नल है, शाश्वत है। जी 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 और जो किसी की वो, और जो सहज रूप से जो चलता है ना, कि एक दूसरे से, अभी आपने कहा ना, स्वाद के लिए और स्वास्थ्य के लिए भोजन, या मोबाइल संवाद के लिए या दिखावे के लिए, तो जब असहजता से कोई भी कृत्य किया जाता है, चाहे वो संवेदना के द्वारा हो रहा हो, चाहे अपनी उत्तेजना के द्वारा हो, तो वो जी हेमंत जी, आपका जब भी माइक। महसूस हुआ है, जी सहज स्वीकृति में मैंने देखा है शाश्वतता है, जो मेरा आकलन है, इतना ही जी कहना जी चाहूंगा। बढ़िया 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 जी। विजय कुमार जी को सुन लेते हैं। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी, नरेंद्र परमार जी। जी, नरेंद्र परमार जी, क्या लगता है परिवार में सुख का मतलब सभी सदस्यों का एक जैसा है होता है या सामान्यतः कई बार अलग अलग भी होता है? जी नरेंद्र जी, नरेंद्र चलिए जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनका सिग्नल प्रॉब्लम कुछ होगा तो मैं बात जी को आगे बढ़ा देता हूँ, फिर लोगों से चर्चा कर लेंगे। तो अभी देखें तो ना, सुख क्या है, अगर हमने इसको ठीक से समझा नहीं तो हमारे लिए ही सुख का मतलब बार बार बदलता रहता है। आज लगेगा कि ये काम कर लेते हैं उसमें सुख है, 4 दिन बाद लगेगा नहीं, ये वाला काम कर लेते हैं उसमें सुख है, 10 दिन बाद लगेगा नहीं, ये वाला काम कर लेते हैं उसमें सुख है। तो आज सुख के लिए इधर प्रयास करेंगे, है ना, आज सुख के लिए एक दिशा में प्रयास करते हैं, थोड़े समय बाद लगता नहीं सुख इधर है, थोड़े समय बाद लगता नहीं इधर है, फिर इधर है, धीरे धीरे हमारी जिंदगी की हालत ऐसी हो जाती है और एकदम हिट एंड ट्रायल, कभी इधर टकरा रहे हैं इधर टकरा रहे हैं, ऐसा चलता रहता है ना। क्योंकि सुख क्या है वो ठीक से स्पष्ट नहीं है, इसलिए अलग अलग दिशा में। अच्छा, आज समोसा खा के सुखी हो लेते हैं, आज पानी पी के हो लेते हैं, आज कोल्ड ड्रिंक पी के हो लेते हैं, आज टीवी देख के हो लेते हैं, आज ये करके हो लेते हैं, तो सुख का क्या मतलब है अगर स्पष्ट नहीं है तो ऐसे रैंडम सा जिंदगी चलता रहता है। तो एक तो ये, दूसरा, अगर परिवार में सब लोगों का सुख का मतलब अलग अलग हो गया है तो परिवार में झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हो सकता। परिवार के सभी सदस्यों ने सुख का अपना अपना एक मतलब निकाल के बैठ गए तो परिवार में कभी भी झगड़ा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए सुख क्या है उसको समझना आवश्यक है, और इन दो प्रश्नों के साथ कि क्या एक ही व्यक्ति के लिए सुख हमेशा बदलता रहेगा उसका मतलब, या कुछ निश्चित हो सकता है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी सुख का मतलब हमेशा बदलता रहेगा, अलग अलग होगा, या कुछ निश्चित हो सकता है ना, ये सारे प्रश्न हैं सुख को लेकर के। तो मैं सुख के बारे, है ना, एक परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आप लोगों से उस पर बात करेंगे। मैंने लिखा है कि मैं जिस स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ, अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, संगीत में व्यवस्था में जीना ही सुख है। तो मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जी रहा हूं, अगर उसमें संगीत है, हारमनी है, व्यवस्था है, सिनर्जी है, तो
ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, हार्मनी में, व्यवस्था में जीना ही सुख है। दूसरी तरफ अगर मैं ऐसी स्थिति परिस्थिति में जीता जिसमें अंतर विरोध है, डिसहार्मनी है, अव्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार नहीं होता। लेकिन फिर भी इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए मैं बाध्य हूं, अंतर विरोध अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हूं, यही दुख है। तो सुख और दुख की ये परिभाषा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। मैं कुछ लोगों से थोड़ा समझना जानना चाहता हूं कि क्या लगता है ये सुख और दुख की परिभाषा में, उनकी सुख दुख की परिभाषा सम्मिलित है, उनको ये ठीक लगता है नहीं लगता है, है ना, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है, बात रख सकते हैं। जी शशि जी, प्रदीप कुमार जी, सभी हदों में ये बहुत तार्किक समझ में आता है कि हमारा हमारी यदि लाइफ संगीत में है, व्यवस्था में है, सब कुछ सही है, हमें लग रहा है हम सुख में हैं। यदि अंतर्द्वंद चल रहा है, अंतर विरोध है, अव्यवस्था में जी रहे हैं, जो हमें अव्यवस्था लग रहा है जी, तो ये दुख है। दुख है, और ये अव्यवस्था विचारों में भी हो सकती है, अंतर्द्वंद विचारों में भी हो सकता है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है सर, हर अर्थों में सही। प्रदीप जी को क्या लगता है? जी प्रदीप जी। जी सर, मैडम ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से हम बॉडी के लेवल पे जीते हैं तो हमें सुख की ज्यादा अनुभूति होती है, लेकिन जैसे हम सोल के स्तर पे जाते हैं, आत्मीय स्तर पे जाते हैं, तो वहाँ हमें एक अलग तरीके की दुविधा और विविधा की स्थिति निर्मित होती है। बॉडी जैसे ही बॉडी लेवल जहाँ पे हमें फील होना शुरू होता है और कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है, वहां में सुख में विविधता दिखती है और हर चीज के बाद नया सुख पाने की एक इच्छा डेवलप होती है, मुझे लगता है यहाँ तक। जी सुरेंद्र सिंह परिहार जी, क्या लगता है ये सुख दुख की जो परिभाषा है आपके लिए ठीक लगती है? आपका सुख दुख इसमें शामिल है? जी सुरेंद्र जी, राकेश कुमार अग्रवाल जी, सिद्धार्थ त्रिवेदी जी, जी राकेश जी। हेलो जी राकेश। सर मुझे मैंने भी आज तक सुख दुख को परिभाषित करने का सर प्रयास कभी किया नहीं था। आज आपने जिन शब्दों में सुख और दुख को समेट के दिखाया है, मैं उस तरह से देखने पर मुझे लगा कि सही है। जैसा आपने संगीत को नाम दिया हारमोनी, मतलब एक अपना एक अलग मजा हो जिसमें व्यवस्था बनी हो, भले ही वहां पर सुविधाएं कम हो या जैसा भी हो, लेकिन अगर मुझे वहां पर रहना स्वीकार है, सहज तौर पर मैं वहां रह पाता हूं, तो वहां मुझे सुख महसूस होता है। एक छोटा सा मैं यहां पर एक एग्जांपल, मैंने एक व्हाट्सएप पर एक पिक देखा हुआ था बहुत पहले कि एक बच्चा जो कि फोन के प्रतिरूप में उसने अपने हाथ पर एक स्लीपर रखी हुई है, और जिस तरह एक अच्छा समझदारी व्यक्ति कोई आईफोन जैसा फोन यूज करके अपने चेहरे पर रख के वो स्माइल करता है, वैसा वो बच्चा उस छोटी सी वस्तु को, चप्पल रूपी वस्तु को रखकर भी वो आईफोन जैसा स्माइल दे रहा था। तो वहां मुझे लगा कि यार वहां व्यवस्था है और सुविधाएं पूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको रहना स्वीकार है उस प्रकार को, तो वहां से सुख का एहसास होता है। जहां आपने दुख की बात की, वहां अंतर विरोध और अस्वीकृति वाली जो बात आपने की, वहां बहुत सही मुझे इस बात को समझ पाया हूं मैं कि सुख और दुख को जो आपने परिभाषित किया है ये मेरे लिए बहुत सही है। थैंक यू सर। तो राकेश जी क्या लगता है कि सुख की परिभाषा अगर एक बार ये स्पष्ट हो गई तो फिर सुख का ये मतलब हमारे लिए बदलता रहेगा या निश्चित रहेगा कि भाई संगीत में जीना सुख है, व्यवस्था में जीना सुख है, ये निश्चितता में बनी रहेगी या परिभाषा बदलेगी? जो मतलब मोड़ आते रहेंगे जीवन में उसके अनुरूप वस्तुओं का प्रतिरूप बदलता रहेगा, वस्तुओं का स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन मूल तत्वों में देखा जाए तो बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर उन जो बदलाव हमारे पास आएगा, जो समय बदलेगा उसके अनुसार भी, अगर ये बातें सुटेबल है कि संगीत वहां पर है, हारमोनी मिल रही है, जो चीजें हमको मिल रही है, नई चीजें मिल गए, नए व्यक्ति हमसे मिल गए, उनके साथ भी अगर हमारी हारमोनी क्लियर है, हमारी मतलब व्यवस्थाएं क्लियर है और उनके साथ भी हमें रहना एक्सेप्ट हो रहा है, तो वहां भी सुख होगा। ये भले ही वस्तुएं बदलेगी, इंसान बदलेंगे, आने वाली चीजें बदलेंगी, लेकिन ये जो मेन थीम समझ में आई ये चेंज नहीं हो सकती। ये नहीं बदलेगी। बढ़िया। तो मैं आपकी बात को इस तरह से कह सकता हूँ राकेश जी कि एक है परिस्थिति और एक है स्थिति। स्थिति मतलब मेरे भाव, मेरे विचार। परिस्थिति मतलब दूसरे व्यक्ति। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे वातावरण, ये तो बदलता रहेगा, लेकिन वहां पर अगर मेरे भाव, मेरे विचार में एक हार्मनी बनी हुई है, एक व्यवस्था बनी हुई है, तो बाहर लोग चाहे कैसे भी बदलते रहें, मेरे सुख की निरंतरता हो सकती है।
ये बात बिल्कुल बिल्कुल जी। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बस आपने बिल्कुल सही कहा और जो आपने लिखा है वो भी सही है। मैं सिर्फ इसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि आई गेस इट इज मोर टू डू विद इंटरनल सेटिस्फेक्शन। तो आदमी सेटिस्फाई होने को तो जैसे आपने बोला एक समोसे में भी हो सकता है और आईफोन में भी नहीं हो पाएगा, गाड़ी में भी नहीं हो पाएगा, और ये परिस्थिति बदलती रहेगी। हाँ, तो बाहर की परिस्थिति तो बदलती रहेगी मतलब हाँ, इसका एक ही शब्द अगर बोलना जाए तो वो है सेटिस्फेक्शन। वही, और सेटिस्फेक्शन को ठीक से देखेंगे तो अगर हमारे भीतर हमको क्या आवश्यकता है वो अगर पहचान में आ गई है और हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है ये दिख रहा है तो सेटिस्फेक्शन आएगा, और हमारी आवश्यकता पहचान में आ गई है अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो हमको एफर्ट लगाना होगा उसके लिए, ये दोनों आवश्यक होंगे। बिल्कुल सही सर, हमने शुरुआत ऐसे ही करी थी आई गेस कि जिसके पास 3 कपड़े हैं वो भी सेटिस्फाइड है और जब अलमारी खोल के देखते हैं 50 कपड़े हैं तो लगता है कि नहीं यार आज पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी, तो इसलिए इसको आगे थोड़ा चर्चा करेंगे जब समृद्धि पे चलेंगे। अभी अगर सुख की बात करें तो सुख के लिए कह रहे हैं कि हम जिस स्थिति परिस्थिति में जी रहे हैं अगर उसमें एक व्यवस्था है, एक हार्मनी है, तो उसमें जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। संगीत में व्यवस्था में होना ही सुख है। अगर अंतर विरोध अंतर द्वंद में जीने के लिए मैं बाध्य हूँ, है ना, मजबूरी में जीना पड़ रहा है, वही मेरे लिए दुख है। जी जी सर, जी जी ठीक। तो एक दो लोगों को और सुन लेते हैं। कोई लोग के और हैंड रेज हैं क्या? अजय पाल जी, जी, जी कुछ नए लोगों के हैंड रेज हो तो उनको थोड़ा सुन। जी महेंद्र तोमर, बेबी राजा जी, बेबी बेबी राजा जी बोलू सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भानु जी, जी 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 मैं एक बात बताता हूँ सर। जैसे कोई फिल्म देखने हम गए, बड़े शौक से जाते हैं, हमारी खुशी के लिए जाते हैं कि खुशी खुशी होकर के एक खर्चा भी करते हैं, हम पैसा भी वेस्ट उसमें करते हैं, इन्वेस्ट मतलब अपने लिए, और वो जाकर के फिल्म हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर हम एक बुरा सा मुंह लेकर के उसको निकल के आ जाते हैं उस थिएटर से या मल्टीप्लेक्स में से। अब हम तो खुशी खुशी गए थे लेकिन हमें दुख हो गया, अब इस चीज को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो मैं जो समझता हूँ उसका ये है कि अनुभव करें तो सुख है और अनुभव करें तो दुख है, यानी कुछ चीज हमारे अनुकूल यदि हो गई तो अच्छी अच्छी और हमें उससे खुशी भी मिली या हमें सुख हुआ, और यदि बुरी हो गई परिस्थिति बस या कैसे भी वहाँ कुछ करने के बाद में तो हमें वो बुरा लगा और उससे हमें दुख हुआ। सर मेरा ऐसा समझना है वही, तो बाहर जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, हाँ बाहर भी घट रही, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी कौन है उसको भी ना देखें। तो हम तो हमारी खुशी के लिए जा रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है उसके विपरीत, अच्छी नहीं होना मतलब वो हमने उसको फील कैसा किया, अनुभव कैसा किया, बुरा कर लिया। पहले क्या परिस्थिति बनी हमने कि नहीं हम खुशी खुशी जा रहे हैं उस चीज के लिए, बड़े अच्छे उत्साहित होकर के बढ़िया कि भाई वहाँ पे फिल्म देखने जा रहे हैं थिएटर में, और जाकर के हुआ क्या कि हमें उसका अनुभव बुरा हुआ तो हमें दुख हो गया। वो चीज तब तक अच्छी थी जब तक हमने उसको देखा नहीं, जब तक वो अननोन थी, जब तक हम उसके लिए बिल्कुल एक लालायित थे और खुश थे, जाने के लिए उसमें जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो बुरा हुआ तो हम बुरा सा मुंह लेकर के अरे यार क्या टाइम वेस्ट हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, ये भाव लेकर के हम उससे निकल के आते। तो दुख हुआ एक ही परिस्थिति से, एक ही जगह पर हमें दुख भी हो गया। तो अब तो इस सबका जांच परख करेंगे तो पता लगेगा फिल्म चलना तो एक घटना है, हम अपने अंदर विचारों में एक अपेक्षा लेके जा रहे हैं कि इस तरह की ये फिल्म होगी, अगर वो अपेक्षा उस फिल्म से मैच कर गई तो हमारे भीतर हार्मनी होती है, अगर वो अपेक्षा उस फिल्म से मैच नहीं करी तो हमारे भीतर डिसहार्मनी होती है। तो नहीं, वो फिल्म नहीं, वो तो हम बाद में करते हैं कि क्या विचार है, लेकिन वो हमारे विचारों के हिसाब से नहीं हुई जी, या जो हम समझ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो जो अपेक्षा हमने अपने विचार में बनाई थी उस फिल्म के बारे वो वहाँ नहीं मैच करी, अर्थात हमारे भीतर डिसहार्मनी हो गई। वही तो, चीज दूसरों को अच्छी भी लग सकती है जी, बात। दूसरे की अपेक्षा अगर है वैसी और वो मैच कर गई तो वही फिल्म दूसरे के लिए हार्मनी जैसी होने लग जाती है, उसके विचार ताली बजाएगा और हम उस पर बुरा सा मुंह बनाएंगे। हाँ, तो अब ये बात समझ में आती है भैया। मैं सुख को इस तरह अनुभव करती हूँ कि जो मेरी सहस्वीकृति है उसके अनुसार यदि मेरा जीवन चल रहा है
तो मैं हमेशा सुखी रहती हूँ। और रही बात परिस्थिति, कभी एक सी नहीं होती है, यदि परिस्थिति बदलती है और उस कारण यदि कुछ अव्यवस्था सामने आती है तो, लेकिन मैं अपनी सहस्वीकृति में जी रही हूँ तो इसलिए उन परिस्थितियों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं उन बुरी परिस्थितियों में भी सुखी रह लेती हूँ। तो इसलिए सुख की जो परिभाषा लिखा गया है कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जी रहा हूँ अगर उसमें संगीत है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, संगीत में व्यवस्था में होना ही सुख है। तो अब तो जो भी बाहर ये कह सकते हैं क्या कि जो कोई भी एक घटना है जिससे हमें खुशी मिलती है, क्या वो खुशी भी सुख में परिवर्तित होती है या वो खुशी ही सुख है? वो एक क्षणिक होती है खुशी जो होती है, वो किसी भी घटना से हो, वो खुशी सुख में है या सुख एक व्यापक रूप में हमें उसे देखना चाहिए, एक विस्तृत चीज है? तो उसको जिसको आप खुशी कह रहे हैं उसको यूं कह सकते हैं कि सुख का एक भास है ना, एक या सुख का हाँ एक पायदान या उसका एक हाँ एक भास है ना, अंश है, हाँ है ना, भास है, बल्कि धीरे धीरे अंशों से मिलकर के हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वही तो अभी देखेंगे तो मतलब इस पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बात और उस पर ठीक से हो पाएगा। कि सर हमने कुछ बोला? हाँ कह लीजिए प्रशांत जी। जी धन्यवाद। सुख का अनुभव तो इस तरीके से हम एक उदाहरण है छोटा सा हम पेश करना है, जैसे हम लोग पिकनिक पर जाते हैं या कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं पूरे बेस्ट फैमिली के साथ, तो क्या होता है कि रास्ते में हम जब जाते हैं ट्रेन में बैठते हैं तो अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है। वो छूटने वाली चीज के ऊपर अपन पूरे रास्ते भर मतलब अंतर्ग्रोध चलता रहता है, कहीं ना कहीं हम जा रहे थे सुख के लिए लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में हम जब चले तो वहां से कुछ चीज छूट गई अपनी घर पर, तो उसके प्रति अपने अपने पूरी फैमिली में जो है कलह पैदा कर दिया, विरोध आ गया और जाकर के अपन ने जो पिकनिक के लिए गए थे वहां पर भी पूरा मन अपना मनोबल डाउन हो जाता है और लौट करके आते हैं तो पूरे दुख के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो सहज स्वीकृति है उसको नहीं अपना पा रहे अपन, जब वो रास्ते में जा रहा है कोई चीज छूट जाती है तो उसमें सहज स्वीकृति अगर अपना लेते हैं तो छूट गई तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से सुखी पूर्वक अपन चलते हैं, मना करके फिर बाद में उसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे हिसाब से सुख की अनुभूति ठीक रहेगी। तो अभी इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और चर्चा करेंगे, सुख जो है घटनाओं पर निर्भर होगा या हमारे समझ पर निर्भर होगा। बिल्कुल सही बोले। तो अगर घटनाओं पर निर्भर है तब तो फिर परिस्थितियों में कहीं मैच करेगा कहीं नहीं मैच करेगा, नहीं करेगा बिल्कुल। अगर समझ पर निर्भर है अर्थात सहज स्वीकृति पर जिस पर भैया बात कर रहे हैं उसमें निश्चितता हो सकती है और निरंतरता हो सकती है, फिर निरंतरता और हमें सुखी हम अनुभव करेंगे और वो हमें खुशी ही देगा। वो थोड़ा मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ फिर अन्य लोगों से भी बात करेंगे। तो सुख के बारे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की, कभी बड़े शिविर में मिलेंगे तो इस पर और डिटेल बात करेंगे। तो जो मुख्य बात सुख के बारे में की कि संगीत में व्यवस्था में होना ही सुख है और इसका संकेतक क्या है कि इस स्थिति में हम निरंतर बने रहना चाहते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते, और दुख का मतलब यह है अंतर विरोध अव्यवस्था में होने के लिए बाध्य होना, ये दुख है। और इसका संकेतक क्या है दुख का कि हम उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बिल्कुल उससे बचना चाहते हैं। तो सुख और दुख का मुख्य रूप से इतनी बात हुई। अभी थोड़ी सी बात समृद्धि के बारे में भी कर लेते हैं, उससे पहले एक लाइन मैं ध्यान दिलाकर आगे बढ़ूंगा कि सुख और आवेश, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दो अलग अलग बातें हैं। तो जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो क्रिकेट मैच में कभी बॉलर विकेट ले लेता है तो खूब उछलता है पिच पे, ये एक्साइटमेंट है, आवेश है, जिसकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। हार्मनी बराबर हैप्पीनेस, जिसकी कंटिन्यूटी हो सकती है और हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते भी। एक्साइटमेंट की कंटिन्यूटी भी नहीं हो सकती और बॉडी उस कंटिन्यूटी को झेल भी नहीं सकती और हम उसकी कंटिन्यूटी को बना के रख भी नहीं सकते। और झंझट किस बात का है कि हम ज्यादातर समय होना सुखी चाहते हैं जो कि हार्मनी से होगा, लेकिन हम एक्साइटमेंट से सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक्साइटमेंट में घटना मुख्य हो जाता है जबकि हैप्पीनेस में, हार्मनी में हमारी समझ मुख्य होती है, सहज स्वीकृति मुख्य होती है, भाव विचार मुख्य होता है। इस पर अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन तो बाद में लेंगे,
प्रश्न होगा तो ले लेते हैं। सुख और आवेश दो अलग अलग चीजें हैं, इस पर एक क्विज है, आप लोग इस पर अपनी बात को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तब तक सुख और आवेश वाले मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, जिन लोगों के हैंड रेज है और जिन्होंने अब तक अपनी बात नहीं रखी है उनको पहले अवसर दे दें, फिर बाद में दूसरों को सुनेंगे। तो धर्मेंद्र सिंह जी को अवसर दे दें, बेबी राजा जी को अवसर दे दें, आप लोग अपनी बात कहें इस मुद्दे पर। नीतू भारद्वाज जी को अवसर दे दें, इन्होंने अभी तक नहीं बात रखी है, तो ये लोग अपनी बात रख ले। फिर राकेश टीकम जी अपनी बात रख ले, इन लोगों ने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है, तो ये लोग पहले बात रख ले, फिर जो शेष लोग हैं सब बचेगा तो उनको अवसर देंगे। जी आप लोग का माइक ऑन है हम लोग की तरफ से, आप लोग इनेबल करके अपनी बात कह सकते हैं। हेलो हेलो नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताएं। हेलो धर्मेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। जी जी नमस्ते, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात कहें, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, आप बात करें। हेलो सर, कुछ नहीं, आपने आज का जो कार्यशाला आपके द्वारा आयोजित की गई है इसमें हमें पहली बार ये जो है संबंध ये पूरी चर्चा की गई है, इसमें हमें ये समझ में आया है कि अंडरस्टैंडिंग जो समझ की बात कही थी, संबंध की कही थी, इन चीज़ों में हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या है कि परिवार में जैसे हमारी वाइफ है तो पत्नी है, अब कुछ सब व्यवस्था है, सब चीज़ें हैं, लेकिन समझ नहीं होती तो दोनों में आपस में मतलब पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ मुझे इस कार्यशाला में सर, धन्यवाद जी। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी, सुख और आवेश, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, ये एक ही बात है अलग अलग है? क्या सर? सुख और आवेश, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, ये दोनों एक ही बात है अलग अलग? सर अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है, आवेश तो कभी गुस्सा में भी आवेश आ सकते हैं, सुख एक अलग चीज है सर। सुख अलग अलग, आवेश तो विपरीत में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी, दोनों में हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी। राकेश जी को सुन लेते हैं, राकेश टिकम जी, बेबी राजा जी, ये सब लोग हैं, अपनी माइक ऑन करके आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको माइक उपलब्ध करा दिया गया है। नीतू भारद्वाज जी है ना, अरविंद कुमार साहू जी, आप लोग के पास माइक उपलब्ध है, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपने माइक को ऑन करके अपनी बात कह सकते हैं। मुक्ति राय जी भी हैं, मुक्ति राय जी, वैदेही त्रिपाठी जी। जी जी हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते सर, सीधे बात कहना चाहूंगी, मेरा पहला वेबिनार है जी। ऐसा आपने कहा आवेश और सुख, ये दोनों चीजें अलग हैं जी, क्योंकि जी। आवेश परिस्थिति बस आता है और सुख को हम महसूस कर पाते हैं जी, 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 जी। दोनों ही अलग चीजें हैं। बढ़िया बढ़िया, सुख का जो आवेश होता है उसका रिएक्शन अलग होता है, वो हम कई बार एक्सप्लेन कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं जी। और आज का वेबिनार जो नेचर ऑफ लॉ है, इसमें समझ, अभी तक समझ को समझौता का नाम दे के रखा था मैंने जी, जी। बढ़िया, समझौते को समझ का नाम देने की बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल। ज्यादातर बार हम लोग संबंध में समझौते को ही लगता है कि संबंध कह रहे हैं जी जी जी, तो जी बहुत आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और एक नई यात्रा में आप ले जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप कौन से जिले से? मैं नरसिंहपुर जिले से हूँ सर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे और चर्चा करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। राकेश जी, जी राकेश जी आप बात कह सकते हैं, राकेश टिकम जी, नहीं रामकेश टिकम जी। जी जी सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। जी सर, मेरा मानना है कि सर सुख और आवेश वाकई में दोनों अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। सुख को तो हम फील कर सकते हैं, पर आवेश मुझे लगता है जैसे कि आवेश अचानक आ जाता है, जैसे हम कहें कि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो अचानक निर्मित होती है और फिर उसमें आवेश के द्वारा हम जो कार्य कर पाते हैं उसको हम मना स्थिति से नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा मेरा है। बढ़िया बढ़िया, ठीक बात है। तो कई बार हम जो एक्साइटमेंट है ना उसी को सुख मान लेते हैं, जैसे किसी का मजाक उड़ा के जोर जोर से लोग हंस रहे हैं,
वो एक्साइटमेंट है ना, हार्मनी नहीं हो रही है उसमें, वो हैप्पीनेस नहीं है। बिल्कुल, जैसे हस्बैंड वाइफ में देखेंगे तो जी, दोनों जी. ने अगर हार्मनी को हैप्पीनेस नहीं समझा है तो कई बार एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस भ्रम बस मान के एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, उसमें कब अपमान हो जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सर। तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे, हस्बैंड ऑफिस से आके कुछ फाइलों के काम में लग गए, पत्नी ने आके पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो हस्बैंड कमेंट कर देता है, जाओ जाओ तुमको समझ में नहीं आएगा, है ना। अब वो कमेंट तो करता है तो वो जो है परेशान हो जाती है पत्नी, तो कई बार वो भी पलट के बोल देती है, पति ने बोल दिया कुछ तो बोलने लगे कि भाई तुम ही को चीनी और चाय का, चीनी और नमक का अंतर नहीं पता, हमको समझाते रहते हो कि क्या सही क्या गलत। अब एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, ये जस्ट किस लिए कि एक्साइटमेंट क्रिएट हो, है ना। उस एक्साइटमेंट में कब अपमान कर देते हैं दूसरे का और कब डिसहार्मनी हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए वो एक महत्वपूर्ण बात है, इस बात को देख लेना कि हमने सुख को एक्साइटमेंट मान रखा है या हार्मनी के रूप में समझ रखा है, है ना। ठीक है ना रामकेश जी? जी सर, जी जी, बढ़िया, थैंक यू सर। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो अगली बात जो कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, समृद्धि के बारे में। सुख और समृद्धि को हम लोगों ने पहचाना था सुबह अपने चाहने के रूप में, तो समृद्धि को भी मैंने यहाँ परिभाषित किया है कि आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन के भाव को समृद्धि कहा। तो मेरे को कितने सुविधा की आवश्यकता है वो पहचान में आ जाना, ये पहला काम है कि सुविधा की आवश्यकता कितनी, उससे अधिक को जुटा पाना, उत्पादन कर पाना, ये दूसरा काम है। ये जो काम होगा पहला वाला आवश्यकता की पहचान की, ये तो समझ से होगा, और कौन सा, सही समझ से। और ये जो उत्पादन वाला काम है, है ना, ये सुविधा से जुड़ा काम है, या तो सुविधा का उत्पादन करना आना चाहिए हमको, या हमको पास, हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। इन दोनों के योग फल में ही समृद्धि होगी। तो समृद्धि सिर्फ सुविधा का संग्रह करना समृद्धि नहीं है, समृद्धि में सही समझ का होना जिससे हम सुविधा की आवश्यकता को पहचान सके और हमारे पास उतनी सुविधा उपलब्ध हो जाए, दोनों के योगफल में जो भाव हमारे अंदर बनता है वो समृद्धि है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये गिलास है, है ना, इस गिलास में मैं पानी डाल रहा हूं जग से, कोई जग का प्रयोग करके मैं इसमें पानी भर रहा हूं, पेंदी इसकी टूटी हुई है, कितने जग पानी से मैं ये गिलास भर पाऊंगा? तो ये बात समझ में आती है, तो कभी नहीं भरेगा, पेंदी ही टूटा हुआ है, है ना। 10 जग डाल लूं, 20 जग डाल लूं, पूरे परिवार के लोग जग पे जग भरते रहे, गिलास कभी नहीं भरेगा। ये बात तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, लेकिन अगर हमने परिवार में सुविधा की आवश्यकता को पहचाना ही नहीं, तो बिना सुविधा की आवश्यकता को पहचाने घर में आवश्यक सुविधाएं पूरी हो गई ये कभी पता लगेगा? उदाहरण के तौर पे हमको 5 पेन की आवश्यकता है, अगर हमने इसे पहचान लिया और हमको लगता है कि 10 पेन है, तो हम कह पाते हैं कि पेन हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, लेकिन 5 पेन ही आवश्यक है ये हमने पहचाना ही नहीं है, 50 भी हो जाए तब भी हमको नहीं लगता कि सुविधा की आवश्यकता हमारे पास अधिक हुई। ऐसे आप देखेंगे ना घर में, आपके पास कपड़े हैं, है ना, तो कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है अगर आपको पता ही नहीं है ना, तो कितने कपड़े घर में हो जाएं कि आपको लगे कि आपकी आवश्यकता से अधिक हो गया है, है ना। तो दो चीजें हैं कि कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है उसका पता होना, कितना आपके पास है उसका पता होना। ये दोनों का पता हो तभी तो तय हो पाएगा कि आपके पास आवश्यकता से अधिक है कि कम है, तभी तो तय होगा कि और खरीदना है या जो है उसको औरों को देना है। हमारा इंटरेस्टिंग फील्ड क्या हो गया है ना आज के दिन, हमको ये भी नहीं पता कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं और हमको ये भी नहीं पता कि कितने की आवश्यकता है, फिर भी हम कहते रहते हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आप देखेंगे ना तो घर में दो बातों के लिए झगड़ा एक साथ होता है, इस बात को मैं बार बार शिविर में कहता हूं, क्या, कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है,
कहीं जाना हो तो लगने लगता पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं है, शादी है कहाँ जाऊं क्या पहन के जाऊं, और इस बात के लिए भी अगले दिन झगड़ा हो रहा होता है कि कपड़ा रखने के लिए जगह नहीं है, अलमारियां भरी पड़ी है ना, और उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जिसको 3 साल 4 साल 5 साल से नहीं पहना होगा। तो अगर आप अपने घर में देखें तो बहुत सारी चीजों के लिए हमको पता ही नहीं कि हमारे पास घर में कितनी है और कितने की आवश्यकता है, ये दोनों ही नहीं पता, फिर भी हमको लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वही हालत हो गई कि गिलास की पेंदी टूट गई है और गिलास भरने का हम प्रयास कर रहे हैं, कभी नहीं भरेगा। तो क्या करें, पहले पेंदी लगा लें। पेंदी कैसे लगेगा, आवश्यकता को पहचान कर, सही समझ से आवश्यकता को पहचान लेते हैं तो पेंदी लग जाती है। अर्थात ये तय हो गया कि हमको 10 जोड़ी चाहिए, 15 जोड़ी चाहिए, 20 जोड़ी चाहिए, अब हम उसको पूरा कर सकते हैं 2 साल में 1 साल में 6 महीने में 4 साल। लेकिन आवश्यकता ही तय ना हो तो पूरी जिंदगी पूरी नहीं होती, घर भर जाता है सुविधाओं से, घर में चलने के लिए रास्ता नहीं बचता, बच्चे रोज चोट खाते रहते हैं फिर भी लगता है घर में सुविधाओं की कमी है। तो समृद्धि के लिए सुविधाओं की आवश्यकता का पहचान होना और उनके उपलब्ध होना, ये दोनों आवश्यक है। इतनी बात में समृद्धि के संदर्भ में कहना चाह रहा था। अब जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अब तक बात नहीं रखे हैं, उनको पहले अवसर दे दे भैया। भाई साहब ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी बहुत सी चीजें खुद में शोधन की आवश्यकता समझ में आने लगी है। आज डे फर्स्ट ही है और ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड कितने फिल्टर खुद में लगाने बाकी हैं, हमें तो खुद ही नहीं पता है। हम समृद्धि लिटरली हम समृद्धि को किस एरिया में ले जा रहे थे। आपने एक चीज कही तो ऐसा लगा जैसे आपने मुझ पर ही कह दिया कि जाते समय मुझे लगता है कि कोई मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए और वार्डरोब पूरा भरा हुआ है। घर में कभी कभी विवाद की स्थिति बन जाती है। मुझे लगा कि आप मेरी कहानी, हम में से ज्यादातर लोग की कहानी है ये। सही बात है। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। ये वाली मोटरसाइकिल नहीं वो वाली होनी चाहिए। जी जी सर। ये साड़ी नहीं वो वाली होनी चाहिए। खराब नहीं हुई है, चल रही है बढ़िया, हमें हमारे सारे काम कर रही है, पर ये पुरानी दिखने लगी है, पुरानी हो गई है। हमारे अपने हमारे लिए ये सोच ले तो हमारा पता नहीं क्या होगा। भैया जब मैंने पहली बार वर्कशॉप की थी तो आके सबसे पहले अपने कपड़े गिने थे और ये निकाला था, फिर वो सूची बनाई कि कितने की आवश्यकता है, कितने में इसमें से नए खरीदने के पहले जब मेरा रिजेक्ट हो जाएंगे या बाहर कर दूंगा उसके बाद मैं नया खरीदूंगा। तो समृद्धि की तो जो समझ है भैया, आवश्यकता की पहचान, वो इतनी बढ़िया ढंग से मैं समझ पाया था सबसे पहले वर्कशॉप में कि अपनी आवश्यकताओं की सही पहचान हो जाए, फिर ये हो जाए कि कितना उपलब्ध है और हम वो देख पाते हैं दोनों में कि कोई गैप तो नहीं है, कि कितना उपलब्ध है, तो अपने आप समृद्धि का भाव आता है कि जितनी हमारी आवश्यकता उससे कई गुना हमारे पास है। तो कपड़े से शुरू करके ऐसा धीरे धीरे देखते हैं तो हर चीज में लगता है कि मकान देख लें, गाड़ी देख लें, कपड़े देख लें, खाने की व्यवस्था देख लें, ये देख लें। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये कोविड काल में तो इसकी और क्लियरिटी आ गई होगी कि कितनी आवश्यकता है भैया। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जी राजुल भैया। सर नमस्कार। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। शक्ति मिश्रा बोल रहा हूँ। जी ठीक जी। आप सभी का बहुत धन्यवाद सर, मुझे अपना विचार रखने का थोड़ा सा मौका दिया आपने। सर जैसे आप समृद्धि और के विषय में समझा रहे हैं तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कर रहे हैं, अपने घर में भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से आपने समझाया। और पर मेरा एक प्रश्न है समृद्धि को लेकर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ लेकिन हम लोग अच्छा रहेगा इसको कल पूछे क्योंकि समय अपने पास इतना बचा नहीं है। सहज को लेकर छोटा सा प्रश्न है सर। हाँ, हाँ, तो प्रश्न या तो कर दें, चर्चा कल कर लेंगे। जी जी जी। हाँ प्रश्न कर दें सर। मैं पूछना चाह रहा था जैसे आपने बताया था कि जो भोजन के विषय में स्वाद और सहज स्वीकृति का,
तो मुझे ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे कई बार डॉक्टर्स और परिवार पे भी ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप स्वादिष्ट भोजन मतलब स्वास्थ्य के लिए अगर करते हैं, स्वादिष्ट नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हम लगातार बिना स्वाद का भोजन भी कर रहे हैं तो उसका भी हमारे मन पर और शरीर पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप थोड़ा स्वादिष्ट भोजन करें नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मुझे यही मन में आ रहा था कि क्या इसमें कुछ कुछ हो सकता है कि स्वाद का भी इसमें अहम भूमिका हो भोजन में। तो ठीक से देखेंगे तो बिना स्वाद का तो क्या होता है, कोई ना कोई स्वाद तो उसमें होता ही है, बस ये है कि हमने एक विशेष तरह के स्वाद को अच्छा मान रखा है, हो सकता है वो वाला ना हो। जी जी जी, दूसरा वाला तो होता ही है। जी जी, तो अगर ये ध्यान में आ जाए कि स्वास्थ्य के अर्थ में जो है वही स्वादिष्ट है, अच्छा, और जो स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है वो स्वादिष्ट नहीं है, जी। ये धीरे धीरे अपने को स्पष्ट हो जाए तो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में एक रूपता हो सकती है, हार्मनी हो सकता है। हमने ऐसा क्यों मान लिया कि जो स्वादिष्ट होगा वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। जी जी, मतलब ये भी एक सही समझ के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा सर, मैं यही प्रश्न मन में आ रहा था और आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब समझ में आ रही है चीजें और कमियां भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं मुझे भी अपने। धन्यवाद सर। ये सब कक्षा 8 के बच्चों ने बनाए हैं पोस्टर बच्चों की कार्यशाला में समृद्धि के बारे में।